नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक तिवारी, सीईओ bizrent.com। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पर्टिकुलर चैनल पर हम नए नए बिजनेस आइडियाज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आज भी मैं एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले सभी बिजनेस आइडिया की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस इंडिया में है। पहले मैं आपको थोड़ा सा फिर से ब्रीफ कर देता हूं, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस का मतलब यह है, एक प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरर ने बनाया, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक रिटेलर तक पहुंचाना, एक एंड यूजर तक पहुंचाने के बीच में जितनी भी सप्लाई चेन है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहते हैं। जो ये डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ये मैन्युफैक्चरर से माल उठाता है और रिटेलर तक पहुंचाता है या होलसेलर तक पहुंचाता है। इसमें आप एक मार्जिन लेकर अपना बिजनेस कर सकते हैं। आज मैं जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आया हूं, वो एक एवरग्रीन बिजनेस है। आपको भी पता है कि हर घर में आज के डेट में पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि इंडिया जो है वो किसानों का देश है। एक आंकड़े की अगर मैं बात करूं तो इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वो पहले नंबर पे आती है। आज भी 50% जो इंडिया की आबादी है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए। तो दोस्तों, आज मैं जिस प्रोडक्ट में बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं, वो प्रोडक्ट है वर्मी कंपोस्ट अंडर द ब्रांड नेम फार्मिका। वर्मी कंपोस्ट मतलब केचुआ खाद। इस प्रोडक्ट की डिमांड आज हर घर में है। अगर आपने अपने घर में पौधा लगा रखा है तो वहां पे भी आपको वर्मी कंपोस्ट चाहिए। अगर आप एक किसान हैं, वहां पे भी वर्मी कंपोस्ट चाहिए। अगर आप एक ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, वहां पे भी वर्मी कंपोस्ट चाहिए। पहले ये जान लेते हैं कि वर्मी कंपोस्ट है क्या। देखिए, जनरली जो अर्थवर्म होते हैं, जो केचुआ होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो हमारे जैविक वेस्ट मटेरियल है उनको डीकम्पोज करते हैं। डीकम्पोज करके वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं। ये कैसे होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं भी एक बायोटेक बैकग्राउंड से हूँ तो आपको ज्यादा समझा सकता हूँ। देखिए, जो अर्थवर्म है वो अपना फूड प्रोडक्ट जो भी वो कंज्यूम करता है वो सारा का सारा पचा नहीं पाता, डाइजेस्ट नहीं कर पाता। वो क्या करता है, 80% अपना वेस्ट निकाल देता है। तो जैसे वो अर्थवर्म जो है वो पर्टिकुलरली हमारे वेस्ट प्रोडक्ट पे काम करेगा, उसको खाएगा। वेस्ट प्रोडक्ट को उसने खाया, फिर उसने अपना 80% जो वापस निकाला, दैट इज वर्मी कंपोस्ट। अर्थवर्म वेस्ट को हमेशा से ही प्राकृतिक खाद माना गया है। अगर आप एक ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी अर्थवर्म वेस्ट या फिर केचुआ खाद बहुत ज्यादा लाभकारी है। वर्मी कंपोस्ट में वो सारे पदार्थ पाए जाते हैं, वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो एक प्लांट की ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा लाभकारी है। जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फेट हो गया, मैग्नीश हो गया इत्यादि, ये सारे के सारे पदार्थ वर्मी कंपोस्ट में ऑलरेडी पाए जाते हैं। जो फार्मिका का वर्मी कंपोस्ट है वो 100% नेचुरल है एंड ऑर्गेनिक है। ये 5 kg की पैकेजिंग में आता है। अभी जनरली 5 kg की पैकेजिंग में आ रहा है, आगे जाके ये 2 kg और 3 kg में भी काम करेंगे। फार्मिका ब्रांड जो है वो रामा इंटरप्राइजेस कंपनी के अंडर आती है, जो कि 2014 से मार्केट में ऑलरेडी काम कर रही है। 6-7 साल इन्होंने मार्केट को दिया, तब जाके इनका मार्केट इस्टेब्लिश हुआ। तो अगर आप इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनकर काम करते हैं तो काफी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन आप कमा सकते हैं। ये कंपनी आपको हर प्रोडक्ट पे 20-25% का मार्जिन दे रही है। सो इस प्रोडक्ट में अगर आप 3-5 लाख का बिजनेस अगर हर महीने करते हैं, क्योंकि देखिए वर्मी कंपोस्ट डिमांड काफी ज्यादा है, आराम से आप 3-5 लाख रुपए का माल मार्केट में निकाल सकते हैं मंथली। तो आप आराम से 70,000 से लेकर 1 लाख तक के बीच में इजिली कमा सकते हैं। तो अगर आप इस प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं, इस प्रोडक्ट में अगर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं या हमें चैट बॉक्स में बताएं। आप हमारे बोर्ड लाइन नंबर पर कॉल करके भी ये पता कर सकते हैं कि इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैसे लेनी है। आप कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि आगे आने वाले समय में आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, किस बिजनेस आइडियाज पे वीडियोस देखना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन। आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी बिजनेस आइडिया की नोटिफिकेशन आपसे छूट न जाए। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, मयंक तिवारी फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।